नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश झा और अभी हम पहुँचे हैं जंदाहा में और हमारे साथ हैं अभी रिसेंट में ही जंदाहा नगर परिषद नगर पंचायत से विजय हुए हैं मुख्य पार्षद अध्यक्ष पद के लिए। तो आइए इनसे मिलते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। जीत का भी आपको बहुत सारा बधाई है हमारे चैनल की तरफ से। मेरे तरफ से भी आपको बधाई। सर, बहुत अच्छा लगा। हम लोग पहले भी आए थे, आपसे मिले थे, संयोग से आपसे मुलाकात नहीं हुआ था, लेकिन आप लोगों के बारे में क्षेत्र में घूमे थे, जो पॉजिटिव रिजल्ट मिला था आज देखने को मिला है। सर, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो मैं यहाँ की जो जंदाहा नगर पंचायत जो नवगठित नगर पंचायत बनी है, इस बार मैं यहाँ की महान जनता को जो इन्होंने अपार समर्थन दिया, इसके लिए कोटि कोटि बधाई, साथ ही नौ वर्ष की बधाई देता हूँ यहाँ के तमाम मतदाताओं को, साथ ही हमारे चाहने वाले को। नगर पंचायत का चुनाव जब से चला, उसी समय से एक वेव चल चुका था कि हम लोग, इससे पहले भी मैं भी यहाँ पर मुखिया रहा हूँ, मेरी मैडम भी मुखिया रही है, और जब नगर पंचायत के बड़े ग्राम पंचायत हुआ करती थी, उस समय भी सबसे प्रथम बार हमारे दादाजी इस समय जंदाहा में ही था, जिसमें 2001 में डिवाइड हुआ है। 2001 से पहले जंदाहा में यहाँ एक पंचायत हो, सबसे प्रथम मुखिया बनने का भी श्रेय मेरे दादाजी को मिला था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी समाज सेवा करते आ रहे हैं और आपके परिवार से जनप्रतिनिधि रहे हैं और फिर से विजयी हुए हैं। कहीं ना कहीं यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जन समस्या से जुड़ी हुई आपका जो है ध्यान सबसे पहला प्राथमिकता है। सर, आप जीत गए हैं और आप जो है अब नगर परिषद जंदाहा के रूप में अध्यक्ष के रूप में हैं, तो सबसे पहला जो प्राथमिकता में आपका काम है जंदाहा के लिए, वो आप क्या करेंगे? जैसे पहले भी मैंने बताया था, मेरा जो चुनावी मुद्दा था दूसरा था, उसमें भी मैंने कहा था कि जंदाहा बाजार खास करके जो व्यापारियों का अड्डा है, जो बाजार है, और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम होगा, सबसे पहले मैं उसके तरफ प्राथमिकता दूंगा, चाहे वो CCTV लगा करके देना हो या अन्य जगह पर बैरिकेडिंग करा करके या माता पुलिस स्टेशन, हाँ ओपी जंदाहा बाजार में OP स्पेशल बने, जिससे व्यापारियों की सुरक्षा हो, उसके लिए हम लोग सरकार से मांग कर